तो जी, अगर सोनम कपूर की तरह आपकी भी पाव भाजी फेवरेट स्ट्रीट फूड में से एक है, तो आइए आज आपको लेके चलते हैं मुंबई के माँ अंजनी रेस्टोरेंट में और आपको खिलाते हैं काली वाली पाव भाजी। जी हाँ, सुनने में और दिखने में जितनी भाजी ये अटपटी आपको लग रही है, यकीन मानिए उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी होती है। शायद इसलिए इनका ये पाव भाजी मसाला पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरियर किया जाता है। और जितनी फेमस इनकी ये ब्लैक वाली पाव भाजी है, उतनी ही फेमस इनकी ये नॉर्मल वाली पाव भाजी भी है। और अगर बिना तवा पुलाव खाए आप इनके यहाँ से चले गए ना, तो भाई आपकी जो एपेटाइट यानी कि आपका जो स्वाद है ना, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी मेकिंग ऑफ ब्लैक पाव भाजी आपने कभी नहीं देखी होगी, कहीं नहीं देखी होगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो जी ये देखिए, एक तरफ हो रही है लाल वाली भाजी तैयार, दूसरी तरफ हो रही है काली वाली भाजी तैयार। और लगातार इस दोनों तवों के ऊपर जो काम है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। एक नहीं बल्कि दो दो तवे पे यहाँ पे जो भाजी है उसको तैयार किया जाता है। देखिए, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं उसके बाद इसमें मटर डाले जाते हैं। जी हाँ, जो हम छोले कुलचे खाते हैं उसके यहाँ मटर जो है वो इस पाव भाजी के अंदर डाले जाते हैं। ब्लैक वाली पाव भाजी तैयार हो रही है। ऐसी पाव भाजी मैंने तो ना कभी खाई ना कभी कहीं देखी। तो देखिए जी, मटर टमाटर को अच्छे से वो करने के बाद इसके अंदर ये बॉइल्ड जो आलू है वो डाले जा रहे हैं। और कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे ये भाजी को तैयार किया जाता है आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 10 से 15 किलो टमाटर इन्होंने डाले, उसके बाद 5 से 7 किलो मटर डाले, उसके बाद लगभग 21 किलो इन्होंने यहाँ आलू जो बॉइल्ड आलू है वो इसमें डाले। और पूरा जो तवा है ना वो भर चुका है यहाँ पे भाजी से। तो देखिए जी, आलू मैश करने के बाद अब इसमें ये ब्लैक कलर का जो मसाला ये तैयार करते हैं, जो कि सुपर सीक्रेट है। और मैंने जानने की कोशिश करी कि ये क्या है, वो बोला कि ये सीक्रेट है, हम नहीं बताते। तो ये है जी वो सीक्रेट मसाला जो कि इस भाजी को वो ब्लैक कलर देगा, जिसके लिए यहाँ पे ये जाने जाते हैं। अब ब्लैक कलर की पाव भाजी आपने कभी नहीं देखी होगी, इस बात की गारंटी मेरी। अब ये देखिए, मसाला डालने के बाद इसको अब अच्छे से जो है वो हिलाया जाएगा ताकि मसाला अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए, और उसके बाद भाजी को तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो भाजी है उसको साइड पे सेट कर लिया गया है। और अब पूरी मक्खन की टिक्की, 500 ग्राम लगभग मक्खन की टिक्की इसमें डाल दी है इन्होंने अमूल की। और इतना ही मक्खन डलेगा और डलेगा, अभी और भी आएगा। ये देखिए, 500 ग्राम डल चुका है, 500 ग्राम मक्खन की टिक्की और आएगी। 1.5 किलो के लगभग मक्खन गया है इस पूरी भाजी के लिए। तो मक्खन डालने के बाद देखिए, इसमें जो प्याज है वो अब जाएगा। तो जी, दोनों तवों पे काम जो है वो कंटिन्यूटी से चलता जा रहा है। एक तरफ यहाँ भाजी तैयार की जा रही है जो नॉर्मल वाली है, और दूसरी तरफ वहाँ ब्लैक वाली भाजी तैयार की जा रही है। तो जी ये देखिए, प्याज मक्खन के अंदर अब ये जा रहा है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर चीज़ यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। तो जी, अदरक लहसुन डालने के बाद इसके अंदर एक बार फिर से ये मसाला डाला जा रहा है। और ये भी इनका सीक्रेट मसाला है। पहले एक ब्लैक मसाला आता है और उसके बाद ये थोड़ा सा रेडिश ब्लैक मसाला आता है जो इसके ऊपर डाला जाएगा, और यही देगा इसको डिस्टिंक्ट कलर, जिसके लिए इनकी ये भाजी जानी जाती है। और ऊपर से ये ब्लैक वाला मसाला भी आया, देखिए। तो जी, बहुत सारी मसालों का मेल है ये भाजी। अब यहाँ पे ये आ रहा है जी इनका पाव भाजी मसाला, ब्लैक मसाले और रेड मसाले के साथ। ये देखिए, कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे ये पाव भाजी मसाला जो है उसको डाला जा रहा है। उसके बाद ये एक स्पेशल तरीके का मसाला है जो ये खुद पीसते हैं इस भाजी के लिए, वो इसके अंदर आया, देखिए। और बहुत सारी मात्रा में यहाँ मसाला डाला जा रहा है। और ये देखिए जी, अब इसमें आएगा ये नमक। तो जी, अब सारे मसालों को देखिए मक्खन के साथ यहाँ पे मिलाया जा रहा है अदरक लहसुन के साथ। और यहाँ ये ऊपर से धनिया भी जो है अभी ये गार्निश कर रहे हैं साइड में। अब उसको पूरी भाजी को मसाले के साथ मिक्स किया जाएगा, उसके बाद ये ब्लैक वाली पाव भाजी जो है वो तैयार होगी। अब ये देखिए जी, मसाले को मिलाया जा रहा है यहाँ भाजी के साथ, और अब वो जो कलर है ब्लैक वाला वो आपको पूरी भाजी के अंदर मिक्स होता हुआ दिखाई देगा। अब कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे ये भाजी तैयार की जाती है ना, वो आप यहाँ देख सकते हैं भाई साहब। नेक्स्ट लेवल मेकिंग ऑफ ब्लैक वाली पाव भाजी, ओनली टू बी फाउंड इन मुंबई। तो ये देखिए जी, ब्लैक वाली पाव भाजी हो चुकी है तैयार, लेकिन अभी भी उसके ऊपर और मक्खन डाला जाएगा। तो लगभग लगभग 2 किलो से ज्यादा मक्खन इस भाजी के अंदर पड़ता है। और देखिए कैसे मक्खन को श्रेड करके यहाँ इस भाजी के ऊपर डाला जा रहा है। और उसके बाद हर प्लेट के अंदर ये मक्खन जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारी मात्रा में फिर सर्व भी किया जाता है। और ये कितने की प्लेट है? 140 रुपए की प्लेट है काली वाली पाव भाजी, और ये वाली सेम रेट। ये जो आप मक्खन देख रहे हैं ना, आपको हर प्लेट में लगभग 50 ग्राम के आसपास जो मक्खन है वो भी सर्व किया जाएगा। ऊपर से
जब आप ये प्लेट बैठने के लिए खाएंगे तो 140 रुपए की प्लेट के अंदर इतना सारा मक्खन आई डोंट थिंक सो आपको और कहीं मिलेगा, और ऐसी यूनिक भाजी भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये देखिए जी, मक्खन की जो क्वांटिटी है इस भाजी के अंदर वो कितनी ज्यादा है, 1.5 किलो मक्खन। भाई साहब 1.5 किलो मक्खन इस भाजी के अंदर एक टाइम पे आता है, और उसके बाद इसको मिक्स किया जाएगा, उसके बाद दोबारा से इसके अंदर मक्खन आएगा 1/2 किलो, फिर जब प्लेट में सर्व किया जाएगा उसके बाद फिर से मक्खन आएगा। तो देखिए जी, मक्खन में अब डाला जा रहा है प्याज, तो अब देखिए जी यहाँ आ रही है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखो कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट, और अब देखिए जी कितनी सारी मात्रा में यहाँ मसाले को डाला जा रहा है। ये सबसे पहले भाजी मसाला डाल रहे हैं, और उसके बाद ये इनका अपना जो स्पेशल ये मसाला तैयार करते हैं एक और वो डाल रहे हैं, ऊपर से ये डाल रहे हैं जी लाल मिर्ची। वाह क्या बात, देखिए जी क्या लाजवाब, ऊपर रोगन आ गया, मक्खन ही मक्खन है इसके अंदर, और मसाले और प्याज और अदरक लहसुन। अब जो ये भाजी है उसको मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे बाकी मसालों के साथ, और कितनी लाजवाब भाई ये बटरी भाजी जो है ना वो यहाँ पे तैयार हो रही है। तो जी एक बारी में पूरी ब्लैक भाजी को तैयार करके रख लिया जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ ऑर्डर आते रहते हैं भाजी के, वैसे वैसे यहाँ पे इसको अच्छे से हाथों की सहायता से मैशर की सहायता से मैश करके इसको ये डाला जाता है यहाँ पे। तो जी ये जो प्लेट देख रहे हैं अभी इसके ऊपर भी जो बटर है वो और डाला जाएगा। अब कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे बटर आता है ना आप देखिए, तो लगभग 2.5 किलो के बटर के अंदर पहले भाजी को तैयार किया गया, और ऊपर से ये और एक बटर का स्लाइस इसके ऊपर आया। अब देखिए जी यहाँ पे जो पाव है वो कितना ज़्यादा फ्लफी, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसको कितने सारे मक्खन के अंदर यहाँ सेका जाएगा ना अभी आप ये देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारी मक्खन में जो पाव है, जो भाजी है उसको तैयार किया जाता है। तो देखिए जी कितनी सारी मात्रा में इसमें मक्खन आता है इधर, और इसके साथ यहाँ पे पाव आते हैं, तो 2 पाव सर्व किए जाते हैं एक प्लेट के अंदर। कितने बटरी ये पाव है ना, ओए होए जी। तैयार होने जा रहा है मुंबई का सबसे फेमस तवा पुलाव, और इसको खड़ी भाजी के साथ तैयार किया जाता है, और ये ब्लैक कलर का बनेगा। तो ऐसा पुलाव आपने कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। ये डाल रहे हैं ऊपर से अब ये शिमला मिर्च, अब इसमें डालेंगे ये टमाटर, तो मटर डाले जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये बॉइल्ड आलू डाला जा रहा है। तो ये आया जी इनका सीक्रेट, सुपर सीक्रेट ब्लैक वाला मसाला, बहुत सारी चीज़ें हैं इस ब्लैक मसाले के अंदर। और ये आया जी पाव भाजी मसाला, और ये आया ऊपर से नमक, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए जी सबसे पहले इसमें 1/2 किलो मक्खन डाला जाता है, उसके बाद अच्छे से सब्जियों को उसमें बनाया पकाया जाता है। बॉइल्ड चावल इसके अंदर डाले जा रहे हैं, खिला खिला एकदम चावल है यहाँ पे। इसको अब भाजी के साथ जो है वो मिलाया जाएगा, और ऐसा तवा पुलाव आपने कहीं नहीं खाया होगा। और सबसे खास बात इसकी है ये ब्लैक मसाला, जो कि ये हर्बल ब्लैक मसाला इन्होंने मुझे बताया, बहुत अमेजिंग अरोमा है इसका। और सबसे खास बात है कि इस मसाले को खाने के बाद आपको कभी भी एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन्होंने जो मक्खन है ना भाई वो डाल दिया, अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसका स्वाद होने वाला है। भाई एक तरफ भाजी तैयार हो रही है, एक तरफ पाव सेके जा रहे हैं, एक तरफ वहाँ खिचिया पापड़ तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ देखिए कितने सारे पैमाने पे चटनी जो पैक की जा रही है। अब यहाँ पे आके देखिए इतने सारे पैमाने पे यहाँ पे चटनी के पैक्स को पैक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जी इनकी भाजी यहाँ पूरे मुंबई के अंदर। और इसी तरीके से बड़े क्यूट से पैकेट्स बनाए जाते हैं चटनी के, और उसके बाद जैसे जैसे भाजी जाती रहती है ऑर्डर दर ऑर्डर ये सर्व किए जाते हैं साथ में। तो जी मुंबई में आने के बाद एक चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा आप, वो ये कि आपको बटर की जो क्वांटिटी है ना वो कम मिलने वाली है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो बटर है ना भाई वो भरपूर मात्रा में डाला जाता है, और सिर्फ अमूल बटर का इस्तेमाल किया जाता है भाजी को तैयार करने में, पाव बनाने में, तवा पुलाव तैयार करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी आइटम जो कि यहाँ पर बनाई जाती है। अब हमने यहाँ पर लिया है जी ब्लैक वाली पाव भाजी, क्योंकि नॉर्मल पाव भाजी तो आपको हर जगह पर मिल जाती है, लेकिन ऐसी भाजी आपको मेरे ख्याल से बहुत कम जगह पे मिलती है, और अगर मिलती भी है तो ऐसा स्वाद वाली नहीं। हर्बल मसाला है इनका जिसको ये इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ये भाजी को तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा बटरी ये पाव है, देखिए मेरे हाथ बिल्कुल मक्खन से लबालब है। अब ये खा भी लेते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि आई एम श्योर ये पूरी वीडियो देखने के बाद ना आपके मुँह में बाल्टियाँ भर गई होंगी पानी की, मेरे में जैसे आ रहा है ना अभी वैसे। तो अब मैं खाता हूँ ये ब्लैक वाली पाव भाजी, साथ में ये प्याज है और नींबू है उसको भी सर्व किया जाता है। अरे एक चीज़ जो इसको अलग बनाती है वो रेड वाली भाजी से, एक तो है जी इनका जो मसाला ये यूज़ करते हैं, बाकी प्रोसेस लगभग सेम ही है इसको बनाने का, लेकिन खास बात ये है कि बहुत ज़्यादा अरोमा आ रहा है उस ब्लैक वाले मसाले का जो इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। आई कैन फील द कोकोनट फ्लेवर इन दिस,
जो कोकोनट बर्न्ट होता है ना उसको इसमें डाला जाता है वो ब्लैक कलर देने के लिए। तो वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक बट वेरी वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे ब्लैक भाजी तो बनाई जाती है, साथ में ये ब्लैक वाला तवा पुलाव भी बनाया जाता है जो कि बहुत सारी सब्जियों का मेल है, बहुत सारे मक्खन का मेल है और साथ साथ इसमें डाले हैं इन्होंने चावल। मुझे यहाँ पे जो तवा पुलाव है ना उसको एक स्पेशल तरीके की चटनी के साथ खाया जाता है जो कि है ये लाल वाली चटनी जो कि है गार्लिक और साथ में मिर्ची की। इसी से आता है जी डिस्टिंक्ट फ्लेवर इस पुलाव के अंदर। तो जी आइए अब ये तवा पुलाव खाते हैं गार्लिक और मिर्ची की चटनी के साथ और बताते हैं कैसा इसका स्वाद है। लाजवाब स्वाद तवा पुलाव, पाव भाजी, दोनों चीज़ें ट्राई कीजिएगा। लेकिन एक बार ये मानजनी पे आइएगा और बताइएगा कि आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। भाई जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपको फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। लेकिन जाते जाते ये चटपटी स्पाइसी तीखी तवा पुलाव की बाइट लेके जाइएगा।